यशस्वी जायसवाल की टीम इंडिया में एंट्री की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मेरे हिसाब से हाँ, अब आगे सिलेक्टर्स बताएंगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से खेला है और जिन गेंदबाजों के अगेंस्ट रन बनाए हैं, मेरे ख्याल से राजस्थान की ये धमाकेदार जीत उन्हें प्लेऑफ का टिकट दिलाने में मदद करेगी। बिल्कुल मदद करेगी, जिस तरीके से जीता है वो थोड़ा सा वो फियर फैक्टर जो होगा वो बढ़ गया होगा, वो क्वेश्चन अभी ऑपोजिशन के दिमाग में। वेंकटेश अय्यर को किसी और बल्लेबाज का साथ मिल जाता तो मैच की तस्वीर अलग होती। काफी हद तक हाँ, क्योंकि कम से कम 20-25 रन कम पड़े वो और जो होते, अगर वेंकटेश अय्यर के साथ कोई और खेलता तो शायद वो 170-175 तक पहुंच सकती थी वो पारी। चहल का 3 रन और रिंकू सिंह के विकेट वाला 19वां ओवर मास्टर क्लास था। एब्सोल्युटली जैसे उन्होंने बॉल डाला रिंकू को जोन के बाहर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की यूजी चहल, और अब तो खैर सिर्फ बीच के ओवर नहीं, अब तो डेथ ओवर्स में भी माहिर बॉलर हो गए। कोलकाता को रिंकू सिंह पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना महंगा पड़ा। नहीं, मेरे ख्याल से काफी सारे वहां पे मिडल ऑर्डर में बल्लेबाज हैं, आंड्रे रसेल भी मौजूद हैं, लेकिन तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा निर्भर करती है केकेआर रिंकू पर। ट्रेंट बोल्ट से चौथा ओवर भी करा लेना बेहतर होता। हाँ और ना भी, क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ पे एक मैसेज भी दिया संजू ने, आखिरी ओवर जो था वो संदीप से करवाया, ट्रेंट बोल्ट के पास भी जा सकते थे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज भी था कि पिछले मैच में आपको लास्ट ओवर में मार पड़ी, आपने मैच हराया, लेकिन दोबारा वो भरोसा दिखाया संजू ने, और ये मैं कहूँगा बहुत अच्छी कप्तानी भी।